अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिया बीज किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रही है दाल। ये मेरे बच्चों की फेवरेट है, सो आज मैं राइस एंड दाल कुक करूँगी। राइस तो मेरे ऑलरेडी कुक्ड हैं, होपफुली आप सबको बॉयल राइस तो करने आते ही होंगे। सो अगर नहीं आते तो मुझे बताएं, मैं आपको वीडियो अपडेट अपलोड कर दूँगी। तो अभी मैंने दाल में, मेरे पास ये 2 कप रेड, इसको मैं हमेशा से सुर्ख दाल कहती हूँ, मसूर की दाल है। तो ये मसूर की दाल मैंने ले ली, इसमें मैंने तकरीबन 2 kg वाटर ऐड कर दिया। उसके साथ मैंने सॉल्ट ऐड किया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 onion चॉप्ड, साथ मैं ऐड करूंगी गार्लिक, इसके साथ रेड चिली एंड हल्दी, रेड चिली पाउडर एंड हल्दी, 1 tomato चॉप्ड, उसके साथ ये ग्रीन चिलीज, ये ऑनियंस मैंने बघार लगाने के लिए रखे हैं, और ये कोरिएंडर मैं बाद में ऐड करूंगी। इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी, प्रेशर कुकर नहीं लगाना, इसको वैसे ही पकाएंगे। सो इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। अब हम एक पैन ले लेते हैं, इसमें मैंने ऑर्गेनिक घी ले लिया है बघार लगाने के लिए। इसमें मैं डालूंगी चॉप्ड ऑनियंस। आप अगर गार्लिक का लगाना चाहें तो गार्लिक का बघार भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऑनियंस का बघार अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऑनियंस ही यूज करूंगी, मुझे गार्लिक का नहीं अच्छा लगता। ग्रीन चिलीज, जीरा एंड रेड चिली, और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, यानी कि इसको रेडी करते हैं। हीट अप हो जाता है सही, उसके बबल्स निकलेंगे तो फिर हम इसका बघार लगाएंगे। इस स्टेज पर हम बघार ऐड कर देंगे इसमें, और फिर बाद में बाकी की दाल को पकने देंगे इस तरह से। दाल हमारी पक रही है। इस स्टेज पर अगर एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी, कुछ लोगों को दाल खाने से एलर्जी होती है, इसकी तासीर क्योंकि गर्म होती है, तो आप उसकी तासीर को कूल डाउन करने के लिए यहाँ पर इतना सा मिल्क ऐड कर दें। ये 1/4 कप होगा मिल्क, मिल्क ऐड कर दें तो इस तरह से आपको इसकी तासीर गर्म नहीं लगेगी, और इसको कुक होने दें। थिकनेस आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी थिकनेस इसकी चाहते हैं। मुझे ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती, और ज़्यादा थिक भी अच्छी नहीं लगती ये वाली दाल, बट अभी इसको थोड़ा सा और कुक होने देते हैं। इस तरह से हमारे दाल चावल रेडी हैं। अभी मैंने सैलड नहीं बनाया, इसके साथ कोई सा भी सैलड बना लें। रेड ऑनियन और टमाटो सैलड बहुत मज़े का टेस्ट देता है, साथ अचार लें और मज़े से खाएं, और दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।